Assalamualaikum, Good Morning Safe City के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा आवान और मेरे साथ है मोहम्मद फाइक और हम आ गए हैं आपकी गुड मॉर्निंग को और गुड बनाने के लिए। जी तो जनाब, हमेशा हमने जो है आपसे कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कोई नॉलेज आप तक पहुंचाया है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई जाए और कोई ना कोई नई चीज़ बताई जाए। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो ना तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है बल्कि एक मोटिवेशन है आपके लिए, बल्कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई उनसे। और मैं पंजाब पुलिस के बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि अपने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जिन्होंने हाल ही में PhD की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें इंतहाई मुश्किल लगता था, बहुत से लोगों को आसान भी लगता होगा, लेकिन उन्होंने उसमें PhD हासिल की। एंड इस वक्त अब पहले उनका नेम था मोहम्मद इरफान, लेकिन अब हम उनको कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान। वो आज हमारे शो में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ इस तालीम को कैसे हासिल किया जो कि बहुत ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहते हैं शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल, पुलिस की ड्यूटी कहा जाता है बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए 24/7 ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो इसके साथ तालीम हासिल करना वो भी PhD इन केमिस्ट्री कितना मुश्किल था आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जो है पुलिस की जॉब जो है वो एक टफ जॉब है, 24 आवर जॉब है और एमरजेंसी जॉब है, तो इसके साथ साथ जो है वो तालीम जारी रखना और बिलखसूस जो है वो केमिस्ट्री की तालीम जारी रखना वो एक मुश्किल काम था। लेकिन एक मेरा विजन था कि मैंने जो है वो अपनी एजुकेशन जिसको मैं किसी वजह से नामुकम्मल छोड़ चुका हूँ, मैंने उसको मुकम्मल करना है। अगर मैं शुरू करूँ मैट्रिक से तो मैट्रिक FSC और BSc तक जो है वो एज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरा नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने एक इंडस्ट्री में जॉब की, 2 साल में जब इंडस्ट्री में जॉब की तो वहाँ से जो है मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। वहाँ पे मैंने लैब में एज ए केमिस्ट जो है वो प्रैक्टिकली केमिस्ट्री को देखा है कि केमिस्ट्री तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि लोग जो है उसको बोरिंग सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो 2 साल जब मैंने उस वहाँ पर जो है ये जॉब की तो मुझ में ये इंस्टीगेशन पैदा हुई कि मैं इसको जो है इसको हायर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, मज़ीद केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने जो है वो जॉब छोड़ के मैंने जो है वो GC यूनिवर्सिटी में MSc में दाखिला ले लिया। वहाँ पे मैंने 2 साल जो वो अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री में जो है वो 1 साल जॉब की कि वो जो केमिस्ट्री मैं 2 साल पढ़ चुका हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो जब मैंने वो इम्प्लीमेंटेशन की तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो है वहाँ से मैंने अपने जहन में बिठा लिया कि मैं इसको जो है वो आखिर तक लेके जाऊँगा, मैं इसको जो है वो डॉक्टरेट तक जो है PhD तक लेके जाऊँगा। तो वहाँ से जो है वो मेरी इंटरनल मोटिवेशन बन गई कि मैंने इसको जो है वो लास्ट तक लेके जाना। उसके बाद 2007 में जो है वो मैं पुलिस जॉब में आ गया और उसके बाद 1-2 साल ट्रेनिंग के गुजरे और 2011 से 13 में मैंने अपना MPhil मुकम्मल किया और 16 में जो मैंने अपने PhD का सफ़र स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में वो मैंने 2020 में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट, मेरे जैसे स्टूडेंट की बात ले लें, मुझे तो H2+O कितनी मुश्किल केमिस्ट्री लगती थी, तो आपने कैसे परस्यू किया? क्योंकि पुलिस की एक जॉब ऐसी है कि आपने सुबह आने का तो पता है कि इतने बजे आना है, जाना कितने बजे घर ये किसी को भी नहीं पता होता, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? टाइम मैनेजमेंट से पहले एक मैं बात कहूँगा, जो है हमारे कासिम अली शाह साहब हैं, मैं उनको ना सुनता रहता हूँ, बड़ा हाँ जी बड़े वो अच्छे स्पीकर हैं। उन्होंने ना बता रहे थे कि एक दफ़ा ना एक टीचर ने जो है ना वाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा और सारे अपने स्टूडेंट्स को कहा कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है और ये हल नहीं हो सकता, तो जो कल हल करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो हल करके लाया, वो कौन सा स्टूडेंट था? वो जो सोया हुआ था, यानी कि जिसने सुना नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है और जिसने सुन लिया था ये इम्पॉसिबल है, उसने वाकई समझ लिया कि ये इम्पॉसिबल है। लिहाजा कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, हम अपनी सोच को कट लगा के हम उसको में उसमें चीज़ें हाल्ट करके उसमें बैरियर लगा के उसको जो है वो कह लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये इससे आगे नहीं हो सकती, लेकिन चीज़ें मुमकिन होती हैं। इसी तरह जो है मैंने टाइम मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से की है कि पुलिस फोर्स में रह के जब मैं स्टार्ट मैंने लिया तो तब मैं पंजाब कांस्टेबली में था, वहाँ पे शिफ्ट सिस्टम है तो वहाँ पे जो है वो शिफ्ट के लिहाज से मैं टाइम एडजस्ट कर लेता था। उसके बाद मेरा लाहौर इधर वापस ज़िले में तबादला हो गया, तो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली जो है वो तफ्तीशें, मुलजमान को पकड़ना, मिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है फील्ड से रिलेटेड ये मैंने नाइट पर शिफ्ट कर ली। यानी वो जो अहम टास्क जो दिन को हो सकता है
वो मैंने दिन को कर लेता था, और जिसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये नाइट को हो सकता है तो उसको मैं शिफ्ट कर लिया नाइट पे, तो वो मैंने सारा नाइट पे, और दिन को जो है मैंने अपना जो है वो रेगुलर जो क्लासेस हैं या जो है अपना जो रिसर्च वर्क है वो करना है तो वो मैं कर रहा था। तो इस तरह मैंने जो है उसको प्लानिंग करके अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कम करके, अपनी नींद को कम करके और दूसरी जो डिस्टर्बेंसेस थी उनको कम करके जो है मैंने वो अपना जो है टाइम जो है इस तरह मैनेज किया। अच्छा नहीं सर, आप बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन विंग में इस वक्त तो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं बहुत सारे केसेस, तो ये कितनी मददगार आपके लिए साबित हुई ये चीज़ कि आपने PhD की केमिस्ट्री में, जाहिर बात है PhD करना उसके बाद माइंड इंसान का थोड़ा एक्सप्लोर होता है, तो किस तरह से मदद मिलती है आपको मजीद इन्वेस्टिगेट करने में चीज़ों को? हाँ, इसमें जो है नो डाउट एजुकेशन आपको हर फील्ड में हर जगह पे फ़ायदा देती है, आपके विजन को ब्रॉड करती है, ठीक है, और आप जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से वो मैनेज कर लेती हैं और देख लेती हैं, तो बिल्कुल जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। वो चीज़ें जो बंदा जो है वो आप हार्ड एंड फास्ट रूल से कर रहे होते हैं, आप उसे हट के ज़रा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो कई चीज़ें हल हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थ्रू आउट मोटिवेशन क्या रही, मतलब आपने मोस्टली स्टूडेंट्स मैट्रिक में या एटलीस्ट FSC तक जो है वो भाग जाते हैं केमिस्ट्री को, फिर आपने BSc की, फिर MSc की, MPhil किया, PhD की, तो कोई टीचर थे, कोई मतलब मोटिवेशन क्या थी, किसने इंस्पायर किया कि इसमें जो है ना, अगर मैं मैट्रिक से मैं स्टार्ट करूँगा, जब मैं मैट्रिक में देखता हूँ तो एज सच जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो मेरा नहीं था कि शायद मैं केमिस्ट्री में PhD करूँ, लेकिन दो मोटिवेशन होती हैं, एक बंदे की इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक एक्सटर्नल होती है कि बाहर से वो किस पर्सनैलिटी से इम्प्रेस है जी। तो इंटरनल मुझे ये था कि मैंने जो है वो कुछ करना है, ठीक है, मैंने किसी मंजिल पे पहुंचना है, उसके लिए जो है मैंने इंटरनली मेहनत कर रहा था उसमें FSC की, BSc की, वो सोन। और जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मेरे लिए जो है हमेशा एक कोह पैमा जो होता है ना, जो माउंटेन चढ़ता है, वो मेरे लिए जो है वो बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, क्यों, हर वक्त उसके सामने एक मंजिल होती है, उसने कुछ जो है वो पीछे जो उसने किया है उसको वो पीछे छोड़ जाता है, और हर वक्त उसमें एक जो है वो एक जज्बा होता है कि उसने इसकी हाइट पे पहुंचना है, उसने आगे जाना है, जस्तजू है। तो मेरे लिए जो है वो और कोई नहीं है, एक कोप है माँ, जो मैं उसकी जब कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक मेरे लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी। अच्छा डॉक्टर इरफान साहब, कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो इस कामयाबी के पीछे आप क्या समझते हैं किसका हाथ है? मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे सारे जो है मेरी ये जॉब है, इसमें जो है मेरे अफसरान हैं उनका भी हाथ है। अच्छा। जहाँ पे मुझे फैसिलिटेशन की ज़रूरत थी, मैंने अफसरान को बताया कि यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़रूरत है, मुझे छुट्टी चाहिए, रिलैक्स चाहिए, उन्होंने दी, ठीक है। उसके अलावा मेरी फैमिली जो है वो जो है मैंने उनको बताया 2016 में कि मैं इस एक जो है वो वर्क करना शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें 4-5-6 साल लग सकते हैं, तो उन्होंने कमिटमेंट की कि ठीक है आप कर सकते हैं। और इसके साथ जो है मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे सुपरवाइज़र और वो जो यूनिवर्सिटी फेलोज, वो सारों ने जो है वो उसमें तामर रखा, तो किसी एक हाथ को तो नहीं कह सकते। हाँ। तो मैं जुड़े हुए हैं सब, जो कलेक्टिवली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जॉब के हवाले से हैं, वो यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं, वो फैमिली के हवाले से हैं, वो रिश्तेदारों के हवाले से हैं, तो मैं तो वो सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने जो है वो जितना किसी का कंट्रीब्यूशन बन सकता था सबने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ने डीमोटिवेट भी किया जब आपने PhD में एडमिशन लेना था कि यार कहाँ चल पड़ा है, तो उससे क्या मतलब, होते ना हम ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा वाकया जो आपकी जिंदगी में हुआ हो, किसी ने कहा होगा यार PhD छोड़, कितनी मुश्किल चीज है, केमिस्ट्री पकड़ लिया। मैं बता, बिल्कुल इसमें ऐसा कई दफा हुआ है, खास करके पुलिस फोर्स में कई दफा ऐसा हुआ है कि जो मेरे बेस्टमेट्स हैं या मेरे जो जो साथ में कुलीग काम कर रहे हैं, तो वो अक्सर औकात कह रहे थे पागल हो गया है, ठीक है, जो अच्छी बड़ी जॉब है, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, तो इसको अच्छे तरीके से इसको मैनेज करो, बजाय इसके हाफ एनर्जी इधर लगा रहे हो, हाफ एनर्जी उधर लगा रहे हो, एक जगह पे एनर्जी लगाओ सारी और इसी को जो है वो प्रमोट करो। तो लेकिन कई दफ़ा किया, लेकिन मेरा अपना विजन था, मैंने उनकी बातों को जो है वो ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद मैं जो है वो आगे निकल गया हूँ। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है डॉक्टर साहब आपकी, और आपने किस तरह मैनेज किया ये, तो मतलब और केमिस्ट्री में करना ये तो बिल्कुल अच्छा। कोई फ्यूचर गोल सेट किए कि अब ये वाला गोल अचीव कर लिया है, पुलिस में रहना है या फिर कहीं और? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये डिपार्टमेंट मेरी सारी लॉयल्टी, हमदर्दियाँ और वो सारे जो है वो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के साथ है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने मुझे वक्त दिया, इस डिपार्टमेंट ने मुझे फाइनेंशियली असिस्ट किया, इस डिपार्टमेंट में जो दूसरी जो जो जिस तरह फैसिलिटेट हो सकता था वो किया, तो सबसे पहले तो मेरी सारी हमदर्दियाँ जो इस डिपार्टमेंट के लिए हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो इसको कंटिन्यू करूँ, जहाँ पे इंप्लीमेंट होती है केमिस्ट्री वहाँ पे करूँ,
और लेकिन अगर इसके साथ अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आती है सामने या कोई इस तरह का मामला होता है मूव करना तो भी चाहिए वो जो है वो मैं बिल्कुल सर्कमस्टांसिस को देखे तो मैं बेसिकली बताऊं तो मैं बड़ा प्रैक्टिकली रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखता हूं ठीक है हाँ जी तो मैं ये चाहता हूं कि हालात जैसे चेंज होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जरूर चेंज होना चाहिए ठीक है ये हमारे ऑफिसर्स भी कहते हैं पुलिस ऑफिसर्स भी कहते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अवेल जरूर बिल्कुल अवेल करना चाहिए तो मेरी कोशिश जो सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ सर्व करूँ इसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो है अच्छा डॉक्टर इरफान साहब आपको नवाजा गया है CC1 से अब ये बताएंगे शुएब दस्तगीर जो IG पंजाब है उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिए है इनाम दिया है उसको जब आपने हासिल किया उसकी क्या फीलिंग थी और कौन से इनाम से नवाजा गया हाँ जी बड़ी अच्छी फीलिंग थी मुख्य IG साहब के अलावा भी जो है मेरे अफसरान जो हैं अच्छा, उन्होंने भी मुझे फोन करके मुझे अप्रिशिएट किया है मुझे कंग्रेचुलेट किया है ऑफिस में बुला के भी जो है वो कंग्रेचुलेट किया है IG साहब ने मुझे बुलाया मुझे सर्टिफिकेट दिया और साथ में जो है वो कैश इनाम भी दिया अच्छा, तो मुझे जो है बड़ा अच्छा फील हुआ यानी बड़ा ही बेटर फील हुआ कि जो है वो देखें 13 साल या 14 साल मेरी जॉब को हो गए हैं तो कभी भी IG साहब से मुलाकात नहीं तो ये जो स्पेसिफिक वजह है ठीक है ना जिसने मुझे IG साहब से मिलाया है तो मेरे लिए तो जो है वो बड़े फखर की बात है कि IG साहब ने मुझे बुलाया और मुझे जो ये सर्टिफिकेट दिया और इनाम दिया तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सो मच इरफान साहब और आपको फिर मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपने PhD हासिल कोई पैगाम देना चाहेंगे जो केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं कहा जाता है पुलिस की जॉब बहुत टफ जॉब है और आप ये देखें कि कोई भी डिपार्टमेंट है वो आपको इजाजत देता है स्टडी करने की तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो पढ़ना चाहेंगे जिनका दिल कर रहा हो कि हम एजुकेशन हासिल करें तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप इस मोटिवेशन के साथ अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं मैं जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी और बाहर भी क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो रेगुलर ही पूरी तालीम करे और उसके बाद जॉब करे जी यहाँ पे बड़े बैरियर आते हैं फाइनेंशियल बैरियर हर तरह के तो कहीं पे लोग जो है वो छोड़ जाते हैं ठीक है छोड़ने के बाद फिर वो क्योंकि वो सारा चलाना होता है वो सिस्टम सारा जो आपके साथ जुड़े हैं लोग वो भी देख रहे होते हैं तो चलाते रहें लेकिन जहाँ पे आपको समझें कि यहाँ पे जो है अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि अब मज़ीद तालीम हासिल कर सकता हूँ तो उसको ज़रूर करें क्योंकि तालीम का लेवल बदल कोई नहीं है ठीक है ये हर जगह पे आपको फ़ायदा देगी ये कहीं ना कहीं सूदमंद ही साबित होगी तो लिहाजा जो लोग छोड़ चुके हैं मैं उनको ये कहूँगा मोटिवेट करूँगा कि अपनी तालीम को हर सूरत जारी रखें इसमें जो है वो इकबाल साहब जो हैं उनका मैं वो जो है चलें वो अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे उसके लिए माजरत कि झपटना पलटना पलट के झपटना तो ये जो अपनी एनर्जी कहीं पर आप रुक जाते हैं तो रुक जाएँ ठीक है सांस लें एनर्जी अपनी जमा करें ठीक है अगले जो है वो अटैक के लिए तो मैं जो है ये सबको पैगाम दूंगा कि अगर किसी जगह से किसी वजह से वो तालीम अगर वो रोक चुके हैं तो उनको जो है वो ये इस पे जो है वो कंटिन्यू करना थैंक यू सो मच इरफान साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया थैंक यू जी जनाब ये थे डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ और ये जीती जागती एग्जाम्पल हैं एक मोटिवेशन है आप सबके लिए जो अपनी स्टडी किसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दी है आप अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू करें जैसे कि उन्होंने कहा कि तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं है और व्हेन देयर इज अ विल फाइट देयर इज अ वे अगर आपकी विल है अगर आप करना चाहते हैं तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है मेरे ख्याल में पुलिस से टफ डिपार्टमेंट मुश्किल ड्यूटी किसी और डिपार्टमेंट की नहीं होती और इस डिपार्टमेंट में रहकर आप PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और आप समझते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल आपकी ड्यूटी है और आप उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये आपकी गलतफहमी है आपको ज़हन से निकालना अपने ज़हन को साफ करना है ताकि आप अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकें तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर इरफान साहब तो शो का वक्त जो है वो खत्म हुआ जाता है और जाते जाते यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें फेसबुक पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही साथ अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल सेफ रहें सेफ स्टडी के साथ अल्लाह हाफिज़